हाय गाइज, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, जिस टारगेट में आपको इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद पॉसिबिलिटी नज़र आने लगेगी। पूरे ध्यान से सुनना, एक भी सेंटेंस अगर मिस कर दिया तो समझ लेना फिर इसको दोबारा देखनी पड़ेगी। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और वह एक युद्ध में अपनी एक पैर गवा बैठता है। कुछ समय बाद और दूसरा युद्ध होता है, उस दूसरे युद्ध में राजा अपनी एक आंख गवा बैठता है, यानी कि आंख से काना हो जाता है और पैर से अपाहिज हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन राजा अपने दरबार में अपने पूर्वजों की फ़ोटो देख रहा था, तस्वीर देख रहा था लगे हुए, तो राजा के भी ख्याल में आया कि क्यों ना मैं भी एक दिन, अब मेरा भी टाइम हो चुका है, मैं भी एक काफ़ी एज का हो चुका हूँ, क्यों ना मैं भी अपनी एक ऐसी तस्वीर बनाऊँ जो कि इन पूर्वजों के साथ में मैं भी अपनी तस्वीर लगा दूँ, लेकिन वो अच्छी भी होनी चाहिए। राजा ने घोषणा कर दी सभी राज्य को बुलाकर कि मुझे एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए जो मेरी तस्वीर बहुत सुंदर बनाए और बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाए। सबके दिमाग में आ रहा था कि राजा की एक आंख नहीं है और राजा की एक टांग नहीं, हम ये मूर्ति कैसे बनाए, राजा की तस्वीर कैसे बनाए, और हमने थोड़ी सी भी गलत कर दी, थोड़ी सी भी चूक हो गई तो राजा तुरंत हमारा सर कलम कर देगा। लेकिन उन्हीं के बीच में एक ऐसा भी दिग्गज था जिसने इस इम्पॉसिबल वर्क में भी अपनी पॉसिबिलिटी निकाली। राजा के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी जो हम उस तस्वीर में शेयर कर सकते हैं या तस्वीर में बना सकते हैं, तस्वीर में उतार सकते हैं। दूसरा उसने सोचा कि कैसे पॉसिबल है। पहले तो उसने राजा की पॉजिटिविटी पे नज़र डाली और दूसरा उसने राजा की जो क्वालिटी थी उस पर नज़र डाली, राजा क्या क्या करते हैं, राजा को क्या चीज़ अच्छी लगती है। और ये सब सोचने के बाद उसको एकदम तुरंत आइडिया आया कि हम हाँ राजा की मूर्ति ऐसे बना सकते हैं। और उस इंसान ने राजा की पेंटिंग बनाकर, राजा की तस्वीर बनाकर राजा के दरबार में पेश की। जैसे ही उस आर्टिस्ट ने राजा की पेंटिंग पूरी प्रजा के और राजा के सामने रखी तो वे सब चौंक गए और राजा प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए। वो पेंटिंग दोस्तों उसने ऐसे बनाई थी कि राजा की आंख भी ढक गई और राजा का कटा हुआ पैर भी नहीं दिखा। जैसे राजा घुड़सवारी कर रहा तो तीरंदाजी भी कर रहा है, घुड़सवारी कर रहा है तो एक साइड से यदि फोटो क्लिक करते हैं तो उसकी एक ही पैर दिखाई देता है। जब कोई भी इंसान तीरंदाजी करता है तो एक आँख बंद हो जाती है, तो उसमें राजा के दोनों कमियाँ थी, एक पैर था कटा हुआ वो भी ढक गया और जो राजा की एक आंख कानी थी वो भी ढक गई। राजा इतने खुश हुए, राजा ने उस इंसान को इनाम दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों कहानी का सार बताता है कि हमें ज़िंदगी में जहाँ भी इम्पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वहाँ पर हम पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। बस हमारा जो सोचने का नज़रिया है वह पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नज़रिया होगा तो पॉसिबिलिटी नज़र आएगी, निगेटिव नज़रिया होगा तो प्रॉब्लम नज़र आएगी। अब आप दो लाइनें बोलिए कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ, बोलो मेरे साथ बोलो कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलो, मेरे साथ आप बोलो और आपको जस्ट इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आपको पॉजिटिविटी नज़र आने लगेगी। बोलो मेरे साथ में, मैं जिस काम को कर रहा हूँ, बोलो मैं जिस काम को भी कर रहा हूँ उस काम में मैं 100% एफर्ट दूंगा और इसी काम में अचीवमेंट हासिल करूंगा, पूरे जोश और जनून के साथ करूंगा, प्रत्येक दिन अपने काम में एफर्ट दूंगा। जब जिस दिन आपने दोस्तों ये पॉजिटिव एटीट्यूड बना लिया, बड़ी से बड़ा कठिन वर्क में आपको पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। और जब डेली आप ये शब्द बोलोगे जो मैंने अभी आपको बोले हैं, तो आपके अंदर डेली एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। इस एनर्जेटिक पावर से आप डे बाय डे ग्रोथ करते जाएंगे और अपने लक्ष्य को अचीव कर लोगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना और शेयर करने से मत रोकना दोस्तों। तो दोस्तों, कहे गए शब्द पता नहीं किसके दिमाग में कहाँ घर कर जाए और कोई इंसान सभी परिस्थितियों से हार कर बैठा हो, अगर उसने ये वीडियो देखी तो कहीं ना कहीं कोई शब्द, कोई भी पावरफुल वर्ड उसके दिमाग में कहाँ जगह बना जाए और वह अचीव कर जाए आपको पूरी लाइफ नहीं भूलने का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।